जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सभी छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर, ITI टेक्नीशियन ए के लिए सेफ स्कोर जो है वो कितना रहेगा और अंतिम दिनों से आपका सिलेक्शन कैसे निश्चित हो पाएगा। सारी डिटेल देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि, और आप सभी जो इस चीज़ से अवगत भी होंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर पहली बार जो है DRTO सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है अभी भी डाउट है कि सर, एग्ज़ाम जो है वो एक साथ होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट है उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, 40 और 80 जो है आपके दो सेक्शन यहाँ पर आपके होने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसका टायर फर्स्ट में ही, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में होगा, और वो जो होगा आपका एग्ज़ाम, उसमें दोनों से प्रश्न आएंगे आपके। 40 तो आपके नॉन टेक्निकल आने वाले हैं जो कि आपका सेक्शन ए में होंगे, और 80 जो आपके जो है सेक्शन बी में आने वाले हैं, जो कि आपके टेक्निकल, जो आपकी जो स्पेसिफाइड जो ट्रेड है वो आपकी, उससे आपके यहाँ पर मेंशन देंगे जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है। 120 टोटल यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि ITI टेक्नीशियन एक के लिए टायर फर्स्ट का, यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि टायर फर्स्ट के लिए सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है, आउट ऑफ 120, यानी 120 से जो है आपका सेफ स्कोर यहाँ पर कितना रहने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है, देखिए आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन है या फिर आपका जो स्पोर्ट पर्सन है या फिर आपका PWD कैंडिडेट है, उनकी वैकेंसी अलग से हैं, लेकिन आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर जो है 826 वैकेंसी हैं, 826 वैकेंसी हैं आपकी। और आप सभी जानते हैं इसका 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो है टायर सेकेंड के लिए यहाँ पर DRDO की तरफ से बुलाया जाएगा, यानी कि जितने कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर लगभग 6608 कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपके वो टायर सेकेंड में बैठने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर, कितने कैंडिडेट बुलाए जाने हैं, तो आप से भी देख पा रहे होंगे जो रियल वैकेंसी है वो आपका PWD कैंडिडेट की वैकेंसी यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन की छोड़ सकते हैं, और जो MSP स्पोर्ट पर्सन के लिए होती है वो आपकी जो है अलग से वैकेंसी है। अब देखिए, 6608 कैंडिडेट यहाँ पर आपके टायर सेकेंड में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए टायर फर्स्ट के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा जिससे कि आप टायर सेकेंड में बैठ पाएँ। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जनरल कैटेगरी से। देखिए, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर PW कैंडिडेट जो आपका एक्स सर्विस मैन है, उनके भी कमेंट आते हैं, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखें आपकी जो वैकेंसी है वो अलग से है, और कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कट ऑफ भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जनरल कैटेगरी से जो है टेक्नीशियन ए ITI से जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, और आप सभी ने पिछले ईयर का कट ऑफ भी देख लिया होगा, टायर फर्स्ट का और टायर सेकेंड का दोनों का। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये जो कट ऑफ है वो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है टायर फर्स्ट के लिए, जिससे कि आप टायर सेकंड में बैठ पाएँ। देखिए, जनरल वाले कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, यदि आपका स्कोर, यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं प्लस 85 या 85 प्लस, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है 85 या 85 प्लस। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आउट ऑफ 120 यानी 120 आउट ऑफ 120 से आप जो है 85 नंबर ला रहे हैं या 85 प्लस ला रहे हैं, तो आपका सेफ स्कोर है, आप टायर सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये आपका 120 से है। कुछ कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, 75 का कैसे हो गया, तो वो आपका जो है टेक्नीशियन ए एंड ए के लिए था, यानी कि आपका जो है चैप्टर ए एंड ए के लिए, जो पहले जो मैंने आपको कट ऑफ प्रोवाइड किया था, बट ये टेक्नीशियन ITI वालों के लिए है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और जिससे आपको आइडिया लग पाए कि आप कितना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी से 85 आपका स्कोर है या 85 प्लस होना चाहिए, तो आप सेफ हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका, यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, देखिए कुछ ट्रेड हैं आपकी जो OBC और SC ST के लिए वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है, जैसा कि मैं बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल में आपका जनरल की ही वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है वहाँ पर, ना तो OBC के लिए है ना SC के लिए है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, जिन भी ट्रेड में आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर कट ऑफ बताया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, OBC की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो है यहाँ पर 81 प्लस हैं या फिर 81 हैं, देखिए आपके जो स्कोर है वो 81 है या 81 प्लस है, तो वो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रहने वाला है OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए, OBC का, RWS का यहाँ पर जो है ज़्यादा, यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है वो आपका
इंक्रीज नहीं रहने वाला है, दोनों का लगभग सेम रहने वाला है, तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखें। क्योंकि उस टाइम पर 2019 की बात करें तो उस टाइम पर इसलिए डाउन गया था EWS कि उस टाइम पर कैंडिडेट के यहाँ पर EWS नहीं बना था, तो इस बार जो है सभी के पास लगभग EWS होगा जो भी EWS कैटेगरी से होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है EWS की बात करें तो यहाँ पर जो है यदि आप इस 80 या 80 प्लस कर पा रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, टायर फर्स्ट में का सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप 80 या 80 प्लस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है, और आप बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें कि सर नहीं हो पा रहा है, टेक्नीशियन टेक्निकल को लेकर के, नॉन टेक्निकल को लेकर के। और आप सभी जानते हैं मैंने आपको बताया कि अभी जो है तबीयत प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, गला आप सभी देख पा रहे होंगे, वॉइस भी सुन पा रहे होंगे, अलग अलग आपको दिख रही होगी। मैंने हर कोशिश की है आपको हर तरीके का प्रश्न प्रोवाइड करने की, फिर भी आपके एग्जाम डेट जैसे ही क्लियर हो जाएगी या फिर एक दो दिन के अंदर मैं आप सभी को डिसाइड करके बता दूंगा कि आपको जो है कौन सा मैराथन लेकर के आ रहा हूं मैं, और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये तो हो गया आपका EWS का कैटेगरी का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है SC कैटेगरी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो SC कैटेगरी में यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 70 प्लस या 77 कर पा रहे हैं तो आपका जो है यहाँ पर सेफ स्कोर है, टायर फर्स्ट में आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करके कहते हैं कि सर ये फाइनल के लिए कैसा रहेगा। देखिए फाइनल जो मेरिट डिसाइड होती है वो आपके टेक्निकल जो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उस पर डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनल मेरिट बनती है। कितना इंक्रीज होगा कितना नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपका ट्रेड टेस्ट पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको पहली मंजिल की सीढ़ी आपकी पहली होनी चाहिए कि टायर फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है, टायर सेकंड में आपको बैठना है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना मेहनत ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है स्कोर आप ले लाएंगे, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यदि आप SC कैटेगरी से हैं और 77 या 77 प्लस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है, टायर फर्स्ट में आप टायर सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि आप 8 गुना कैंडिडेट में शामिल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ST कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ST कैटेगरी में तो यहाँ पर जो है यदि आप ST कैटेगरी से हैं तो और आप यहाँ पर 74 प्लस कर पा रहे हैं, 74 या तो आपके 74 हों या फिर 74 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रहने वाला है इतना स्कोर, तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। और 74 या 74 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट ST कैटेगरी से हैं उनका टायर फर्स्ट का सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए फ्रेंड्स आप सभी का ये हो गया क्लियर, तो आप सभी का यहाँ पर टायर फर्स्ट का ये सेफ स्कोर था। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है PWD कैटेगरी से हैं या फिर आपका जो है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्पोर्ट पर्सन भी होते हैं, उनका एक्स सर्विसमैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 47 वैकेंसी है जिसमें आपका 376 कैंडिडेट वहाँ पर बुलाए जाने हैं। और PW कैंडिडेट की बात करें तो PWD कैंडिडेट की तो उनका ABC कैटेगरी अलग अलग से है, 34 वैकेंसी है, वहाँ पर 272 कैंडिडेट वहाँ पर बुलाए जाएंगे। और स्पोर्ट जो पर्सन होंगे उनका 12 वैकेंसी है तो 96 कैंडिडेट वहाँ पर बुलाए जाने वाले हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपका 60 प्लस बन रहा है, यदि आप स्पोर्ट एक्स सर्विस मैन हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 60 प्लस जो है वो सेफ स्कोर रहेगा, आप 60 प्लस कर पा रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चित रहें। क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स जो PW कैंडिडेट होते हैं एक्स सर्विस मैन जो होते हैं कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया, और आप 60 प्लस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो है सेफ स्कोर है। तो ये आप सभी यहाँ पर ध्यान रखें जो भी PW कैटेगरी से हैं। और PWD कैटेगरी में कुछ यहाँ पर जो ABC करके जो कैटेगरी है उनमें जो है यदि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है और तो आपको टाइमिंग जो है आपको वो भी एक्स्ट्रा मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, 1 घंटे पर 20 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पर वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा जो आपने जो है ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया होगा, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तो हो गया फ्रेंड्स उन सभी कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट का बार बार कमेंट आ रहा था आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्यों झूठ बोल रहे हो, कुछ कैंडिडेट के एक दो कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करके कह रहे हैं कि सर इतना भी झूठ मत बोलो, आपने कौन से फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं। तो मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ फ्रेंड्स, सारे मॉक टेस्ट आप सभी को फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और जितने कैंडिडेट ने लगा दिया है उनसे जाकर के आप खुद पूछ सकते हैं, और जिन कैंडिडेट ने लगा दिया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है वो फ्री में मॉक टेस्ट लगा पाएँ। आप सभी जानते हैं मैंने आपको 15 मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं, जो कि आपका रीजनिंग मैथ GK सभी का है, मिक्स है। और आज जो है आपका 16वां मॉक टेस्ट आपका होने वाला है जो कि आपका रीजनिंग का होने वाला है। ये आपको कब मिलने वाला है, तो ये आपको 9 बजे मिलने वाला है, तो 9 PM पर आपका जो है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 9 PM पर आपको जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और सभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिन्होंने पहले से नहीं लगाए हैं सारे मॉक टेस्ट तो आप जो है टेलीग्राम पर पीछे बैक करके सभी मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार आप जो है
मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर क्लासेस को लेकर के कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी जो है आप सभी देख पा रहे होंगे वॉइस भी क्लियर नहीं हो पाई है, और एक दो दिन के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिसाइड करके दे दूंगा, और आपको जो है जितना भी हो सकेगा मुझसे वो सभी कंटेंट यानी कि जितने भी प्रकार के आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जिस भी टाइप के रीजनिंग के हो गए, मैथ के हो गए, या फिर आपका जीके का हो गया, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा मैराथन के माध्यम से। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चिंता ना करें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, अंतिम समय में आप सभी जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करें, और दोनों को साथ में लें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्योंकि दोनों में यदि आप बेस्ट स्कोर कर पाते हैं तभी आप जो है टायर सेकंड के लिए जो है बैठ पाएंगे और अपना फाइनल मेरिट में नाम बना पाएंगे। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी कैंडिडेट की क्वेरी थी सभी की जो है क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कब सभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।